एजाज है, हम जो बदवा कर रहे हैं वो किसी फिरके के लिए नहीं, उनके लिए है जो अमल कर रहे हैं। उनका ताल्लुक न किसी फिरके से है न किसी मजहब से है। वो लोग पूरी दुनिया में आलम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कोई भी इस्लाम का मानने वाला, दीन का मानने वाला इस बात को कतई गवारा नहीं करेगा कि ऐसी बर्बरियत का एक मुजाहरा किया जाए। आप क्लिप देख रहे हैं मुसलसल, व्हाट्सएप पर तो हर फोन में है और मुसलसल ये तस्वीरें आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और मौला करम में हमारी दुआ है, लेकिन अब हालात और ये हो रहे हैं कि आज ही तकलीफ है कि कई नया के शहर के 75% हिस्से पर इराकी मिलिट्री फोर्स का कब्जा हो चुका है और वहां से उनको पास कर दिया गया। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये होता रहेगा। लेकिन हमारे मुजाहरे की बात जहां तक है, हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसी जिक्र के साथ मरबूत मैं आपकी जमत तमाम करूँ, कर्बला के हवाले से है ये, वही जगह कर्बला में इराक में जो बर्बरियत हो रही है, ये बात ये यहाँ का सिलसिला नहीं है, ये 1400 साल पहले से हो रहा है। कर्बला के मैदान में भी यही हुआ, जो जुल्म किया गया, वहाँ कोई किया ना रखा गया, बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, जवान का, जो मैदान में आया उसे बेदर्दी से खत्म कर दिया गया। यहाँ तक के 6 महीने वाले बच्चे को हुसैन लेकर आए तो जालिमों ने उस बच्चे के गले पर तीर चला दिया। ये इंसानियत के नाम पे धब्बा उस वक्त भी रहे, आज भी रहे। अजीजा ने ग्रामी यजीद इब्ने जियाद इब्ने साद शुम्र फिरमुला, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अलामात है जुल्म की, जो आज तक जारी है। इराक में जुल्म करने वाले उन्हीं अलामतों के मानने वाले हैं, इसीलिए हम उसको बुरा भी कहते हैं, लानत भी भेजते हैं, इसीलिए उनके लिए बदलाव भी करते हैं, क्योंकि वो अलामतें हैं जुल्म की, बर्बरियत की, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। उस वक्त भी यही हुआ, आज भी बेदर्दी से औरतों को, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, इसी के खिलाफ एहतजाज है। लेकिन हमारा एहतजाज, हमारी मजलिस जो है वो एहतजाज होती है, हमारी मजलिस इबादत होती है, हमारी मजलिस शुक्राना होती है। शुक्राना भी करना है तो हम मजलिस करते हैं, एहतजाज भी करना है तो मजलिस करते हैं, इबादत करना भी चाहे तो भी मजलिस करते हैं। हमारी मजलिस हुसैन ही सबसे बड़ा अमली मैदान है हमारा, जहाँ दुनिया को हम बुझाते हैं कि हमारा अकीदा क्या है, हम किसके मानने वाले हैं, हम किस मसलक के मानने वाले हैं, हमारा हाजी कौन है। अजीजा निगरानी आपके मरबूत जिक्र वो यही, इस मकाम पर मैंने यही मुंतखब किया कि ये एक मकाम है कि जहाँ हमारे अय्याम अज़ा में दो सफर को 6 महीने वाले शहजादे का झूला यहाँ लाया जाता है, यही पर उसका जिक्र होता है, तस्करा होता है। उसी तस्करे के जहन तमाम है कि कर्बला के मैदान में जो जुल्म हुआ वो हुसैन बिन अली आले मोहम्मद पर, उसके बाद कर्बला के मानने वालों पर, आले मोहम्मद के मानने वालों पर मुसलसल मजालिम जारी है। तो हमारा, हमारी बारगाहें वही है, हमारी इबादतों की कबूलियत का जिक्र यही है। तो कर्बला के मैदान में जो जुल्म हुआ है वो इतना शदीद जुल्म था कि दुनिया को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि पूरी दुनिया के इंसानों को रुलाने के लिए एक अली अजहर की शहादत काफी है। तो ये मालूम हो शहजादे अली अजहर का कारनामा क्या है, आप जानते हैं 6 महीने आज हम लब्बैक कह रहे हैं, सबसे पहला लब्बैक कहने वाला अली अजहर था 6 महीने वाला, जब हुसैन ने मैदान में कर्बला में हर मिन नासरिन यंसुरना की आवाज बुलंद की तो अली अजहर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया, लब्बैक या हुसैन। ये शहजादे ने अपने अमन से बताया। और अजीजा निगरानी यजीदी फौज के सिपाहियों के चेहरों से इंसानियत की निखार हटाकर हैवानियत को जाहिर करने वाले का नाम शहजादे अली अजहर है। आज जो बर्बरियत कर रहे हैं, बजाहे इंसान अगर इंसान ना समझे, इंसान चेहरे से, अपने पैकर से, आदर जवाले से इंसान नहीं होता, इंसान इंसानियत से इंसान होता है। अगर इंसान में हैवानियत हो तो फिर वो इंसान नहीं है, अगर हैवान है वो जुल्म नहीं करता है तो वो हैवान इंसान से ज्यादा बेहतर अच्छा माना जाएगा। लेकिन ये इंसान इंसानियत के नाम पर धब्बा है। और कर्बला के मैदान में इसी इंसानियत के चेहरे से नकाब उठाई अली अजहर ने कि जब हुसैन अपने 6 महीने वाले को मैदान में लेकर आए, अबा का दामन ढांपे हुए थे, एक मरतबा अबा का दामन हटाया तो फौजों ने देखा कि हुसैन के हाथों पर उनका दिल है जो धड़क रहा है, होंठ सूखे हुए हैं, चेहरा कुमलाया हुआ है, हाथों से बलम करके कहा किया मेरा लाल, 3 दिन का भूखा और प्यासा है, थोड़ा